रूस ने जारी की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी, ब्रेक करें। रूसी फॉरेन पॉलिसी में भारत चीन का स्थान बेहद अहम, ब्रेक करें। विजुअल्स के साथ रूस ने दोनों को बताया सबसे खास दोस्त, पश्चिम पर मनमानी और अपना एजेंडा थोपने का आरोप। नई फॉरेन पॉलिसी में रूस का मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत, सीधे राहुल बिगवाल पर आई है। और प्रोफेसर राजन से इस पर सवाल जरूर लूंगा मैं यहां पर, रूस की फॉरेन पॉलिसी आ चुकी है इंडिया चाइना को भाव यहां पर दिया गया है, सबसे खास दोस्त भारत और चीन रूस के सबसे अहम है। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा उन्होंने, चेंज करिए, इन दोनों ग्लोबल पावर से मजबूत रिश्ते जरूरी हैं, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, अंतरराष्ट्रीय शांति, पश्चिम से रूस को पूरे विश्व को खतरा है, रूस की फॉरेन पॉलिसी, टू मच ऑफ टेक्स्ट। सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, फॉरेन पॉलिसी आ गई है, अब वो दोनों को अपना नजदीकी मान रहा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है कि नहीं है सर, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं कि जो रशियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, ये कुछ वर्षों में 2000 में, 2011-12 में और उसके बाद भी फिर बीच बीच में रूस लाते रहता है, तो ये मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा डॉक्यूमेंट होगा नेशनल फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और एक और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन होता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वो भी बीच बीच में रूस लाते रहता है। तो ये एक तरह से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको मान लीजिए एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मान लीजिए, इसमें जनरल सी बातें होती है, तो उसमें जो मुख्य बातें हुई हैं उसमें एक तो कि अमेरिका को एनिमी मानता है। सर मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा, समय कम है, चाइना और रशिया का नजदीक आना भारत के लिए कितना चिंताजनक है? देखिए, चाइना का और रूस का नजदीक आना भारत के लिए चिंताजनक जरूर है, लेकिन भारत उससे डील करना सीख गया है, और उससे डील करने का तरीका यह है कि भारत अपनी अपनी अपने जो संबंध है मॉस्को से वो मजबूत बना के रखता है, ताकि वहां पे भारत चीन का जब युद्ध हो तो रूस एक तरफा रोल वहां पे प्ले नहीं करे, और जैसा कि हमने लद्दाख में भी देखा ऐसा रूस ने नहीं किया था। और तो रूस का ऑब्जेक्शन क्वाड को लेकर होता है और इंडिया का ऑब्जेक्शन रशिया चाइना रिलेशन को लेकर होता है। जी, पॉइंट टेकन, वेरी वेल सेड सर।